नमस्कार, जीएसई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स और बेसिक मैथ्स के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग यानी इंग्लिश में स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को हम उसका वर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, जैसे हमारी एक संख्या है 5, 5 का हम 5 से ही गुणा करेंगे तो हमारा आ जाता है 25। तो ये 5 का जो हमारा वर्ग है वो हमारा हो गया 25, ठीक है। ऐसे उदाहरण दूसरे लेते हैं, जैसे 1 हो गया 7, 7 का हम 7 से ही गुणा करेंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाता है वो 7 × 49। तो ये 49 जो है ये हमारा 7 का हो गया वर्ग, ठीक है। वर्ग को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 7 का वर्ग है तो इसको घात 2 लगा देते हैं, उसके 7 की पावर 2, ठीक है। 7 की पावर 2 यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हमारा हो गया 49, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये 5 है, इसको हम 5 × 5 लिखे हैं ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 की पावर 2 यानी 5 स्क्वायर = 25, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक संख्या देखते हैं, जैसे कि हम ले लिए 9। 9 का यदि पावर 2 है इसका मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 × 9, ये हो गया हमारा 9×81 तो 81, ठीक है। आज हम किसी भी संख्या के दो अंकों की कोई भी जैसी संख्या है उनका हम जल्दी से जल्दी वर्ग निकालना सीखेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। यदि आप इस मेथड को अपने दिमाग में बैठा लिए तो आप 4 या 5 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सीखना है, ठीक है। जैसे हम कोई भी एक दो अंकों की संख्या ले लिए, जैसे हम ले लिए 45 ले लिए, ठीक है। इसका हमको प्रश्न पूछा है हमसे, जैसे इसका वर्ग बताइए। तो हम इधर पे क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुनिए, जो है हमारा 5 है और ये 4 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो 5 का वर्ग कितना होता है हमारा, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये एक हम ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5×25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 को हम इस खाने में लिख देंगे। अब इसके बाद ये दहाई की जो संख्या है वो क्या है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4×16, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 16, ठीक है। इतना तक समझ गया कि इस खांचे में क्या लिखना है और इस खांचे में। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ये हमारे ये जो संख्याएं हैं 3 संख्याएं, इन सभी का आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पे देखिए 4×5×2, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो 4×5 = 20 और 20×2 = 40, ये हमारा आ गया 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 40 को यहाँ पर 4 और यहाँ पे 0 ऐसे लिख देंगे अलग अलग, ठीक है, और इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 5 का सीधे 5 आ गया नीचे उतर के, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10×0 हासिल की 1, तो 1 और 1 = 2, तो ये हमारा निकल के आ गया 45 का वर्ग, एकदम शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही जल्दी, ठीक है, समझ में आ गए। इसमें इस ट्रिक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, आप लोगों को सबको ये याद ध्यान में रखना है कि हमको इकाई की जो संख्या होती है ना, ये इसके नीचे हमें कोई भी संख्या नहीं लिखनी होती, यहाँ पर हमको कोई भी संख्या नहीं लिखनी होती, ठीक है, बस यही करना है आपको। आप दो अंकों की कोई सी भी संख्या लीजिए, जैसे हम 45 का देख लें ना, कोई दूसरे अंक कर लेते हैं, जैसे हम एक दूसरा अंक ले लिए 71, 71 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 1 का पावर इधर फिर वही स्ट्रक्चर बना लेंगे, 1 का कितना होता है स्क्वायर 1, इधर पे देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7×7 = 49, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा करना है, तो 7×1×2, 7×1 = 7, 7×2 = 14, ये आ गया। अब हमको यहाँ पे एक चीज इस वाले जब इस प्रकार का प्रश्न आए, जबकि इकाई वाली अंक का जब हम वर्ग करते हैं तो सिर्फ एक संख्या है, तो आपको ये याद रखना है इस वाले मेथड में, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमको यहाँ पर हमको 2 अंक चाहिए रहता है, ठीक है, कितने अंक चाहिए रहता है 2,
तो हमारे यहाँ सिर्फ अभी कितना है, एक, हमको दो अंक बनाना है किसी भी हालत में, तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे, जीरो। ठीक है, जीरो लिख दिए। अब क्या करते हैं हम, जो हमारे 49 है इसको हम जैसे तैसे हम उतार दिए, अब इसको ऐड करेंगे, तो 1 का 1 आ गया, ये 4 का 4 आ गया, 9 प्लस 1 हो गया हमारा 10, 10 का 0 और ये 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 71 का स्क्वायर। कितना जल्दी आ गया देख लिए ना, बस आपको ये वाला ट्रिक अपनाना है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। जैसे 96 का हमको स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं, इस ट्रिक में क्या करना रहता है, इकाई की संख्या का स्क्वायर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर क्या करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 36। ठीक है, अब दहाई की जो संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 * 81। ठीक है, अब ये जो संख्या है इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 9 * 6 * 2, तो ये हो गया हमारा 9 * 6 = 54 और गुणे 2, तो 2 * 2 = 8 और 2 * 5 = 10। तो हम इन तीनों को गुणा करने पर हमको 108 आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 3 अंक आ गया, तो हमको क्या करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमको इकाई के सामने कोई संख्या नहीं लिखना, तो हम 8 को इस साइड लिखेंगे और 10 को इस साइड लिखेंगे, अब इनको जोड़ देंगे, तो 6 का 6 उतर गया, 8 + 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 की ये 1 हो गया और ये 1 यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक है, हासिल हो गया, तो 1 और 1 = 2। ठीक है, और 8 और 1 = 9, ये हमारा आंसर आ गया, बहुत ही इजी है। ठीक है, इसी विधि से आप करेंगे तो दो अंकों की आप कोई से भी संख्या लेंगे, आप इस तरीके से करेंगे तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। जैसे हमको 32 का स्क्वायर पूछ दिया, जल्दी जल्दी में यदि हमको आंसर चाहिए तो यही वाला शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, अब 32 करना है तो क्या करेंगे हम, 2 * 2 = 4, 3 * 2 = 9। ठीक है, अब यह करेंगे इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 * 2 * 2, तो 3 * 2 = 6, 6 * 2 = 12। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोला था, याद कीजिए, इस प्रकार से जब हम क्या कहते हैं अंक आता है तो हमको क्या चाहिए रहता है, 2 अंक चाहिए रहता है, हमको यहाँ पे 2 अंक चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ पे 1 अंक आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे, बस इतना याद रखना हमेशा। और इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा रहे हैं क्योंकि हमको इकाई के नीचे कोई भी अंक नहीं होना चाहिए, तो 0 लगा देंगे, फिर हम यहाँ पे 2 को रख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 * 4 = 2 9 + 1 हो गया हमारा 10, तो 32 का स्क्वायर हमारा आ गया 1024। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।